हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इतिहास जून 2015 का थर्ड पेपर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 75 क्वेश्चन है, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हेमो इरेक्टस के जीवाश्म में साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाउ कुतिया कुतियान चाउ कुतियान जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से झूकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और उसके कौन से इतिहासकार हैं जो समर्थक हैं? तो आर्य आक्रमण जो बताते हैं वो है चंदा आरपी चंदा और मार्टिन व्हीलर। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वो है एच टी लैम्बार्क लैम्ब्रिक। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन जो है एच टी लैम्ब्रिक। अगला है, क्रमशः शुष्कीकरण जो है एम आर मुगल और निरंतर बाढ़ के कारण वो बताया है रॉबर्ट एल और रेक्स व जॉर्ज एफ डेल्स ने। तो इस हिसाब से हमारा कूट जो बनता है वो है पहला ही कूट बन जाता है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करती हैं? तो वो है सुवस्तु और गोमती। तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं ऋग्वेद से संबंधित। अगला है, उपनिषदों के समय में वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों के सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण करती थी? तो वो है गार्गी संहिता। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने ये आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वालों को 500 कहापण का दंड देना पड़ेगा? तो ये दिया था मल्लों ने। अगला है, उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था? तो जैन धर्म का अस्तित्व लंबे समय तक था उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो वो है राजगृह में भेंट की थी वत्सकार ने बुद्ध से, और फिर बुद्ध ने बताया था कि किस प्रकार से वहाँ की जो अशांति है वैशाली वहाँ पर भंग हो सकती है, जब तक वो चीज़ें हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की अशांति भंग नहीं होगी, विद्रोह नहीं होंगे। तो ये जो इसका कथन मिलता है राजगिरि में भेंट हुई थी, और इसके जो इसको अगर हमें विस्तार पूर्वक से देखना है तो उपेंद्र सिंह की जो बुक है उसमें अच्छे से दे रखा है कि वत्सकार और बुद्ध जब मिलते हैं तो वत्सकार क्या कहता है और बुद्ध क्या है, तो इस प्रकार संवाद के रूप में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सूची वन और दो में मिलान करना है। तो यहाँ पर यूनानी और लेटन लेखक हैं और दूसरी उनकी पुस्तिका। एरियन की इंडिका, हेरोडोटस की है हिस्टोरिका, प्लीनी की है नेचुरलिस हिस्टोरिया, स्ट्रोवो की है जियोग्राफिका। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो वो है चतुर्थ स्तंभ लेख से। अगला है, निम्न में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? तो वो है धौली गज। अगला है, सूची एक और दो का मिलान करना है, कुपियाध्यक्ष जो है वो है वन सप
संपदा का अध्यक्ष होता था, सन्निधाता जो है कोषागार का अध्यक्ष, पर्णाध्यक्ष जो है वो होते थे व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, और पोताध्यक्ष जो है नाप तौल का विभाग का अधिकारी। तो इस हिसाब से जो कूट बनता है वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर शासकों की प्रशंसा करता है? तो पदिरुत्पट्टु जो है वो यहाँ पर सही है। अगला है, निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ बताया है कि उनका कालानुक्रम बताना है बौद्ध स्तूपों के निर्माण का। तो सबसे पहले आएगा सांची, सांची में सबसे पहले स्तूप का निर्माण किया गया था सांची। फिर उसके बाद आएगा सांची के बाद अमरावती, अमरावती के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद है नालंदा चौथे नंबर पे। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखते हैं, दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के निम्न में से किस क्षेत्र में मिले हैं? तो वो मिले हैं कोरोमंडल तट से। अगला है, दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन मिलता है? तो वो है अमरावती, अमरावती से। अगला है, समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ लेख से नहीं होती है? तो ये इस उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, ये उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से पुष्टि नहीं होती है। ए और आर दिया है, और उसका देखना है कि कौन सी व्याख्या सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले ए है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक पूर्णता पराजित हो गए और उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया। उस आर दिया है, उसने गुप्तों को भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया था, इससे गुप्तों को भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया था। तो ए और आर दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही है। अगला, निम्न में से किस स्थान में रामगुप्त की कथा का उल्लेख है? तो वो रामगुप्त की जो उल्लेख है वो है मुद्रा राक्षस में। अगला, हूण नरेश मिहिरकुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो वो यशोवर्धन के द्वारा पराजित हुआ था। अगला है, यहाँ पर देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य कहते थे, स्कंद गुप्त को शक्रादित्य, ये वाला नहीं है बी ऑप्शन। सिंधुराज को नवसहसांग कहते थे, बल्लाल सेन को निःशंक शंकर कहते थे। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए और आर दिया गया है, देखना है उसकी व्याख्या सही है या गलत है। महाबलीपुरम के शैल कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल तथा सहदेव के रूप में किया गया है। इस समूह में रथों की कुल संख्या जो है वो 8 है। तो ए सही है और आर भी सही है, पर दोनों सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ नाम उनके बता रहे हैं, दूसरी तरफ संख्या बता रहे हैं। तो दोनों ही सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर के द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? तो वो है हिरण गर्भ। अगला है, कश्मीर के निम्न शासकों में से किसे राज तरंगड़ी में तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया है? तो वो है हर्ष को, हर्ष जो है बहुत ही क्रूर शासक बताया है। अगला है, शैलेंद्र नरेश बाल पुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था विक्रमशिला में, विक्रमशिला में। अगला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है वो देखते हैं, कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक थे, ये सही। अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला देखते हैं, इब्न ए आसिर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबुत्तगीन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे, ये भी सही है। मईजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए अता मलिक जुवेनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो यहाँ पर सारे सही हैं, सिर्फ जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो हमें जो बहुत अच्छे से एकदम एकाग्र चित्र होके कंसंट्रेशन बना के हमें क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है, और वहाँ पे बिल्कुल भी आलस नहीं करना कि इतना बड़ा है और हमने एक दो पढ़े, और तुरंत टिक नहीं करना है। पूरे क्वेश्चन को टाइम भी देना है और अच्छे से पढ़ना भी है, वो भी कंसंट्रेशन होके, तभी हमारे जो आंसर हैं वो सही हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही नहीं है। फकरे मुद्दवीर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया था, ये यहाँ पर सही है। इसामी मिन्हाज उस सिराज के कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा दी थी, ये वाला कथन जो है वो सही नहीं होता है। अगला देखते हैं सही वाले, मिन्हाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी, तो ये भी सही है। रजिया द्वारा गैर तुर्कों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को आपदस्त करने की योजना बनाई थी, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है, मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही संबंधित किससे संबंधित है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर एक कथन दिया गया है, हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी मंगोल तुर्क तथा अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों से ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती पंचतंत्र की कहानियां तथा शतरंज दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने ये कहा है। तो शतरंज भी जो खेल है वो भी भारत की ही देन है, तो ये भी हमें याद रखना है। गिनती और पंचतंत्र तो सभी को पता रहता है, वो शतरंज जो है वो एक तरह से नया है। आगे है, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिला लेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, तो वो उसका सही आंसर है फिरोज तुगलक का नाम जो है वो 2 बार आया है। अगला है, हिंदुस्तान के लिए मनोरम उद्दत्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी, ये कविता कुछ इस प्रकार है, हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है, जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। तो ये जो वक्तव्य हैं वो इसामी के लिखे गए हैं, ये याद रखना है, इसामी ने ये चीजें लिखी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ये बताता है कि 13 सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था, तो ये जियाउद्दीन बरनी बताता है। निम्न में से सबसे पहले किसने यह स्पष्टीकरण किया है कि इसका कोई आधार नहीं है कि समस्त मुकद्दम और खोद हिंदू थे, तो ये जो वक्तव्य है WH मोरलैंड का है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ए और आर दिया गया है, अब देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है, बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, पर उसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवाद आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी, तो यहाँ पर लोकप्रिय विशेषता जो थी यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था, इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग के थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा से में संबोधित किया था। अगला है, सूची ए और आर मिलानी है, किला राय पिथोड़ा जो है वो इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली ये कोना यानी पुरानी दिल्ली के नाम से जाने लगा,
किलो कड़ी जो है, यहाँ सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी ने एक नया शहर शहर ए नो बनाया था, शहर ए नो बनाया था किलोवाड़ी में। अगला है हौजे खास और गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकाबाद क्रमशः है आदिलाबाद और जहाँ पनाह वो है मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही बन जाता है। किसके राजकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदना ने मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है एवं इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये है कृष्ण देव राय। तो कुछ कुछ यूजीसी नेट में जैसे गांधी हुए, कृष्ण देव राय हुए, और कश्मीर के जो भी राजवंश हैं उनमें हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पर्टिकुलर वो आएंगे, बौद्ध और जैन में से हमेशा आएगा ही आएगा, हड़प्पा में से हमेशा आएगा आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम कुछ टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमारे और भी जो क्वेश्चन हैं वो सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को अबला बाबा यानी गरीब का दोस्त के नाम से जाना जाता है और उन्हें उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था। ये एकदम सही है, यहाँ पर बताने कौन सा सही नहीं है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्षिणी उर्दू फारसी और तेलुगु में रचनाएं की और उनके पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए। ये भी सही है। अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से भी पहले आमंत्रित किया था। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर सही नहीं है तो ये डी ऑप्शन जो है, इब्राहिम कुतुब शाह ने किताबे नौसार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने गीतों के विभिन्न रागों को आधार बनाकर तैयार किया था। तो इब्राहिम कुतुब शाह की जो किताबे नौसार ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? तो शेरशाह सूरी। अगला है, सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय राजनीति सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था, इसमें से एक मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुड़ाना वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुड़वा ली थी? तो ये हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अगला है, ए और आर दिया गया है, अब्दुल रहमान का पुत्र बर खुरदार बिन बुलाए दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया। बिना बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है। अगला है, देखना है कि कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। ताराचंद्र कहते हैं कि राजनीतिक इकाइयों में पुराना बहुलता को आगे बढ़ाने का श्रेय मुगलों को देता है। तो ये सही है। आर सी मजूमदार कहते हैं कि ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में पीएन ओक की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं। तो ये भी सही है। अगला है, तारीख अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई है। तो ये जो है सही नहीं है। इबन अल अरबी के समर्थक शेख ताजुद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है, अल्फी ने औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी तारीख है और अल्फी, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी। तो यही यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि वतन जागीर अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, साथ ही उनके जो दैनिक खर्चों के लिए वहाँ पर एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की थी। तो वतन जागीर की अवधारणा जो है वो यहाँ से शुरू नहीं होती। तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। अगला है,
बाकी इसमें जितने भी हैं बाकी सारे सही हैं। जैसे कि पतंजलि जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान शुरू हुई थी, ये सही है। पतंजलि जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति और संकल्पना के संदर्भ में जानकारी प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि जागीर का लगान पतंजलि जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था, तो ये भी सही है। अगला है एच बी डब्ल्यू गारिक 1883 से 84 में की गई अपनी खोजों से आश्चर्यचकित थे, जिसे उन्होंने निम्न प्रकार से लिखा है। यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदुओं मुसलमानों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत बहुत कम अगम्य था। किसकी खोज के बाद एच बी डब्ल्यू गारिक ने यह टिप्पणी की थी? तो राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण कारीगरी में अरबी में अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला है, किस शासक के अंतिम शासन काल में दीवारों पर फूलों की सजावट, डिजाइन, कीमती पत्थरों, सेमी प्रेसियस स्टोन से बनानी आरंभ की गई, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता है? तो वो है जहांगीर के समय, जहांगीर के समय। इससे रिलेटेड जो 2019 में जून में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए दिया है, स्वयं के राज्य राजस्व के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के थे, तो ये ही वाला जो है ए ऑप्शन वो सही नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ दिया है और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ के और क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन हल करेंगे, सुल्तान का नाम बताएं जिसने शराब पीने और उसकी बिक्री पर रोक लगाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा कौन करता था? तो वो है सुल्तान के अधिकारी। बदायूं गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली के 4 या 5 कोस के अंदर आता है? तो वो है बहादुरगढ़। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी थी, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सीधे किसानों के साथ बनी थी। हाँ, तो रैयत का मतलब किसान ही होता है, तो किसानों के साथ ही इसको निर्धारित किया गया था कि सीधे लगान जो है ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सीधे किसानों पर आधारित थी। इसके अलावा जो दूसरा है, किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, ये भी सही है। और जो तीसरा है, इसका जो तीसरा है, भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तन किया जाना था, तो ये भी सही है। तो ए जो है वो यहाँ पर सही कूट बनता है, ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजातियों के लिए लोगों से निपटाना होता था, जिसको बदलने में काफी समय लगता था, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से झगड़े हुए थे? तो ये है सर चार्ल्स वुड का कहना था। अगला है, मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शहजादा फिरोज शाह ने, मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह। अगला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए।
तो सबसे पहले जो था उस वो सिंध किया था, सिंध किया था, फिर दूसरा है सतारा, फिर है पंजाब और तीसरा है नागपुर। तो सी ऑप्शन जो सही कूट बैठता है यहाँ पर। अगला है, अब यहाँ पर एक तरफ किसान आंदोलन की सूची है, दूसरी तरफ उनके नेता है, तो देखते हैं। फकीर का है मंजू शाह, रामोसी है चित्तूर सिंह, पागलपंथी है करम शाह, और किसान बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद। तो इस हिसाब से सही कूट बनता है डी ऑप्शन, यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो विश्वविद्यालय एक ही वर्ष स्थापित हुए थे? तो यहाँ पर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकर सी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, तो ए और तीसरा वो यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेजली द्वारा जारी विनियमनों के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो जो बी ऑप्शन है, उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया था, ये वाला जो है यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। अगला, निम्नलिखित पर विचार करना है, तो यहाँ पर कूट देकर पूछा है, इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा रॉले एक्ट के बाद है लाला लाजपत राय की मृत्यु, उनके बाद है फिर गुरु द्वारा सुधार अधिनियम, और फिर आएगा सबसे पहले रॉले एक्ट, फिर आएगा विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश, फिर आएगा गुरु द्वारा सुधार अधिनियम, फिर लास्ट में लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो यहाँ पर जो दूसरा है डी ऑप्शन वो सही हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की और संकेत किया? तो एक तो रोमेश चंद दत्त हैं और दूसरे हैं MG रानाडे। तो चौथा और जो तीसरा है वो यहाँ पर सही कूट बनता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? तो वो है नवजीवन। नवजीवन यहाँ पर सही है। अगला है, निम्न अकालों में से वो कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है? तो उड़ीसा 1866 टू 67 उड़ीसा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौन सी पुस्तक है विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई? तो वॉइस ऑफ द मराठा जो है वो नहीं लिखी गई, बाकी द रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये लिखी गई है, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया ये भी, प्रेजेंट डेज जो है ये भी इनके द्वारा विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा लिखी गई है। अगला देखते हैं, पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेड क्लिफ को कितना समय लगा था? तो मात्र 6 माह में, और सिर्फ ओनली 6 वीक में उन्होंने ये काम कर दिया था, 6 वीक। अगला है, समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर और केशव चंद सेन। अगला है, ई और आर दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा व्याख्या सही नहीं कर रहा। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, और 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति करवाने उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। यहाँ पर जो सही है दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अब फिर से ये और आ दिया है, आदिवासी समुदायों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित होते समय अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की थी, उसके लिए राजस्व का आशय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और महाजनों जमींदारों और सामंती अधिपतियों से स्वतंत्रता से था। तो यहाँ पर जो ए सही है और आर
गलत हो जाता है। भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। इस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ था और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। तो दोनों ही सही है, पर एक दूसरे की जो व्याख्या है वो यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया था? तो सी राजगोपालाचारी और वैयापुरी पिल्लो। बी ऑप्शन जो है वो सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्लो ने गद्य लेखन में योगदान दिया था, वो भी तमिल भाषा में। अगला है, 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बने थे? तो ये बने थे भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव बने थे। अगला क्वेश्चन है, विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। तो उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। ये पूछा है प्रत्यक्षवादी संप्रदाय से संबंधित, सारे के सारे सही हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सही हैं। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त करते हैं। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय मतलब जो चीज़ें उन्होंने देखी, यानी साइंटिफिक जो प्रूफ होते हैं या साइंटिफिक अपना दृष्टिकोण रखते हैं, वे वास्तविक परम एवं विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे। ये भी सही है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो ये वो सही वही हो जाता है। अगला है, राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय लेखन पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय लेखन पूर्वाग्रह पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रतिक्रिया थी। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई थी। अगला है, भारतीय इतिहास का महिमा मंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था। यूरोपीय लेखकों द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से बचाव करने के दौरान वे अपने चरित्र में आवश्यक रूप से प्रचारात्मक थे। तो एक और जो दो है वो यहाँ पर सही है, बाकी जो है वो सही नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, ए और आर दिया, अभी कथन और करण कारक दिया है। ए बोलता है कि वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्राय इतिहास और उसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। आर दिया, इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। तो दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। आर सी दत्त की इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, दादा भाई नौरोजी द ड्रेन ऑफ वेल्थ इन इंडिया नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तो ये वाला जो है ये सही नहीं है, बी ऑप्शन। डब्ल्यू गिगली की है प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ये सही है। वी एन सटे इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे सही है। दादा भाई नौरोजी की जो है वो यहाँ पर सही नहीं दिया है। किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो वो है 42वां संशोधन के द्वारा मूलभूत जो कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ा गया। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चनों में, क्वेश्चन के पेपर में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।